दीपावली और भैया दूज पर रोडवेज बसों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन विभाग ने त्योहार पर बसों के फेरे बढ़ाने और रोडवेज बस अड्डे पर यात्री मित्र की तैनाती करने का फैसला किया है। बसों के फेरे दीपावली से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक जारी रहेंगे। त्योहार पर हमेशा यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। दीपावली के त्योहार पर नियमित रूप से 15,000 से अधिक यात्रियों के यात्रा करने की उम्मीद है। इसको देखते हुए परिवहन विभाग की ओर से बसों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया गया है। क्षेत्र प्रबंधक अपराजिता श्रीवास्तव ने बताया है कि दीपावली, भैया दूज और छठ त्योहार को देखते हुए यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। परिवहन विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह 100 से ज्यादा अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा रोडवेज बस अड्डे पर 4 से 5 कर्मचारियों को यात्री मित्र के रूप में तैनात किया जाएगा। उन्हें यात्री मित्र का परिचय पत्र भी दिया जाएगा, जो बस अड्डे पर घूम घूम कर यात्रियों को बसों के आने जाने की जानकारी देंगे। निर्धारित ड्यूटी से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों का परिवहन विभाग पूरा ख्याल रखेगा। कल दीपावली का पर्व आ रहा है, ऐसे में यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, कितनी एक्स्ट्रा बसों का संचालन होगा? देखिए, हम लोग हर वर्ष जो एक्स्ट्रा गाड़ी चलाते हैं, लगभग हम दिल्ली जो बसें चलाते हैं लगभग उसमें 100 की वृद्धि करेंगे। पूरे क्षेत्र से 100 बसें अतिरिक्त चलाएंगे, लेकिन थोड़ी समस्या इस बार ये आ रही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाने के कारण से BSS गाड़ी केवल उन्होंने अलाउ की है जो अंदर आनंद विहार जाएगी, उसकी संख्या सीमित हमारे पास है। अभी वर्तमान में केवल 86 गाड़ियाँ मेरे पास BS6 हैं और शेष गाड़ियाँ आनंद विहार तक चलानी पड़ेंगी। अगर वो उसको भी हो सकता है बाद में अगर मना कर देंगे तो भी समस्या आ सकती है, संख्या में भी भारी कमी हो जाएगी। अन्यथा हम कोशिश करेंगे कि किसी भी यात्री को कोई तकलीफ ना हो, सबको गाड़ी मिले। और हमने ड्यूटी लगा दी है दिल्ली पे और आज ऑर्डर जारी हो रहा है, दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में आदमी रहेंगे इसी समय जो यात्रियों को गाइड करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कोई भी यात्री ऐसा ना रहे जिसे गाड़ी ना मिल पाए। धन्यवाद।